ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। ये दर्द तो बार बार शिफ्ट हो जा रहा है, कभी इधर कभी इधर, आई लव यू, आई आई सीने में, मुझे कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा, मैं कहीं अकेला यहीं ना मर जाऊं। सीमा मैडम, बच्चू भाई, सीमा मैडम। अरे बाबा, क्या सहरी का टाइम हो गया जो इतनी रात में उठा दिया है? बच्चू क्या बात कर रहे हैं, ये कौन सा रमजान चल रहा है? हाँ तो बाबा, ये शोर क्यों मचा रहा है इस टाइम पे? मुझे लगता है इसने ख्वाब में कोई भूत भूत देख लिया है। डॉक्टर साहब, अब मतलब सीमा मैडम, कोई भूत मैंने नहीं देखा। हाँ बाबा, मैं जरा दम कर दूं इस पे, है बाबा कुछ पढ़ के, ठंडी ठंडी। अरे बच्चू भाई गले मिलने का दिल कर रहा है। अरे बाबा, ये कौन सा टाइम है ईद मिलने का? बच्चू भाई, मुझे लगता है हार्ट अटैक आने वाला। कमर में? जिस तरह बल खाती कमर को देख के दिल तेजी से धड़कता है ना, इससे जाहिर होता है कि कमर का ताल्लुक दिल से है। अरे बाबा, क्या हो गया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चू भाई, मुझे लगता है आखिरी टाइम आ गया। बाबा ऐसी बात मत करो, सुबह नाश्ता कौन बनाएगा? क्या बात कर रहे हैं आप बच्चू, उसकी तबीयत खराब है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाए, आपको नाश्ते की पड़ी हुई है। आओ बाबा, आओ बाबा, हर जगह हो रहा होता है, इस उम्र में होता है बाबा, होता है। चलो बंदा गार्डन में या रोड पे जाके करता, तुम घर में भला क्यों कर रही हो? सरीना, रात के गेम है, सुबह हो गई, अभी तक वापस नहीं आए, और जल्दी जल्दी में फोन भी घर छोड़ के चले गए हैं। पता नहीं जाने की तबीयत कैसी होगी, क्या हो रहा होगा वहाँ पर। अरे कुछ हुआ होता तो जानी भला फोन कर देता ना। खुदा का नाम लो सरीना, किसी की औलाद है तुम भोले जा रही है ऐसे ही? बस अल्लाह करे जानी की तबीयत ठीक हो। अरे बाबा, बच्चू आराम से, बच्चू भाई आराम से, आराम से, हटो मुझे, हटो बेचारे, मेरे दादा को क्या हो गया? आधा नर्स में फिदा हो गए थे, पूरे स्टाफ ने जो कूटा है ना, मजा आ गया, उल्टा मैं उठा के लाया हूँ। अरे नहीं बाबा, ये बात नहीं है, मैं गया उस नर्स से पूछा मैंने, बाबा जानी किधर है, वो समझी मैं उसको जानी बोल रहा हूँ, आए बहुत बार है मोटी ने, आए। अरे इसका नाम ही इतना रोमांचिक है ना इसीलिए। अरे ये सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि अस्पताल में हुआ क्या, क्या कहा डॉक्टर ने? अरे बाबा, डॉक्टर थोड़ी देर में रिपोर्ट लेके आ रहा है। डॉक्टर खुद घर आएगा, ऐसा क्या रिपोर्ट में? नहीं नहीं, रिपोर्ट तो मिल जाती बाबा, लेकिन डॉक्टर ने अपने कुछ टेस्ट कराने थे इसीलिए चला गया। डॉक्टर नहीं है भला मरीज है। दुआ करो, दुआ करो, जानी अनजानी आफत का शिकार ना हो जाए। अरे बाबा कौन है? जानी घर पे है? हाँ बाबा, बीमार है, सो रहा है। अच्छा, वो मेरी नुक्कड़ पे ना पान की दुकान है, तो उसका उधार था 2,000 रुपए, वो लेने आया हूँ। कितने का बाबा? 2,000। अच्छा ये लो बाबा 2,000। चलिए बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है। अरे अब कौन आ गया है बाबा, अब किससे मिलना है? वो जानी है। नहीं बाबा, बीमार है, सो रहा है। वो जानी का फोन आया था, मरने से पहले सारे कर्जे अदा करना चाहता है, तो मैं भी आ गया। अच्छा बाबा,
तुम्हारा कितना कर्जा है? वो 2000 रुपया मोबाइल बनवाया था 3 महीने पहले और अब तक का 2000 रुपए का लोट है। अरे बाबा इतना उधार देते क्यों हो तुम लोग? ओ भाई उसका मालिक उसको तनख्वाह मर मर के देता है। तुम चौकीदार हो, तुम खुद बताओ तुम्हें तनख्वाह वक्त पे मिलती है? अरे बाबा मैं मालिक हूँ इस घर का, ये पैसे पकड़ो अपने और चलो जाओ यहाँ से, चलो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, मालिक तनख्वाह नहीं देता है। अरे जानी नहीं है घर पे बाबा। अरे डॉक्टर हकीम साहब आप? कोई और नजर आ रहा है क्या आपको? नहीं नहीं बाबा, वो आप रिपोर्ट लाने वाले थे ना, वही लेकर आया। अच्छा बाबा कोई खतरे की बात तो नहीं है? अंदर चल के रोएंगे या बाहर शामियाना लगवा दूं? नहीं बाबा अंदर ही आ जाए। आओ बाबा आओ अंदर। आइए 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 बाबा आइए। सीमा ये है डॉक्टर हकीम साहब। इनसे कहो पहले तय कर लें कि डॉक्टर है या हकीम। अब पहले हकीम था क्योंकि वाले साहब हकीम थे ना, फिर मजा नहीं आया तो डॉक्टर बन गया। अरे डॉक्टर हकीम साहब ये क्या बात कर रहे हैं, आप लोगों का ताल्लुक कहीं लखनऊ से तो नहीं है? नहीं नहीं क्यों? तभी अब तक आपने मुझसे बैठने का नहीं कहा। माजद डॉक्टर साहब, बैठे बैठे तशरीफ रखें। अब इससे ज्यादा मैं तशरीफ नहीं रख सकता भाई। ये सब बातें छोड़े, ये बताएं रिपोर्ट का क्या हुआ? कुछ बाकी नहीं रहा। क्या मतलब डॉक्टर हकीम साहब? कैंसर। अरे हम आपका स्टार नहीं पूछे, बीमारी बताएं बीमारी। अबे इसे मैं ज्योतिषी लग रहा हूँ क्या? बीमारी का ही बता रहा हूँ। क्या कैंसर? जाने अभी ऊपर जाने में वक्त है। मुंह अच्छा ना हो तो बंदे को बात तो अच्छी करनी चाहिए। भला हर इंसान को कभी ना कभी तो ऊपर जाना ही है ना सबने। अच्छी बात की तुमने, मैं जन्नू में तुम्हारा प्लॉट ही मुंतखब कर रहा था, अच्छा हुआ तुम आ गई। अच्छा पको मत, वो डॉक्टर आया है। डॉक्टर? कौन डॉक्टर? अरे वो ही जो तुम्हारी रिपोर्ट लेके आ रहा था। अच्छा क्या 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 कह रहा? अरे भाई मैंने तो दूर से देखा, वो सफेद कपड़ों में कोई बैठा हुआ है। हाय आजकल तो मुझे हर दूसरा आदमी सफेद कपड़ों में नजर आ रहा है। अच्छा चलो बकवास मत करो, जाके पूछो टेस्ट में क्या है। इसी बात का तो डर है। वो क्या? बचपन से आज तक जितने मैंने टेस्ट दिए कभी पास नहीं हुआ, कहीं इस बार भी ऐसा ना हो। फिक्र ना करो जानी, जो भला आज तक नहीं हुआ वो आज कैसे होगा। अरे भाई तुम तो मेरा स्वयं कराने पे तुली हुई हो, मैं खुद ही पता कर लेता हूँ। कुछ भी नहीं होगा, बिला वजह परेशान हो रहे, इतने जल्दी थोड़ी मरेगा ये। अरे डॉक्टर साहब को बुलाया है या मौलवी साहब को? अरे जानी मौलवी साहब की जरूरत तो बाद में पड़ेगी। जानी बैठे ना डॉक्टर साहब के पास। आप लोग डरा क्यों रहे हैं, मुझे बताए ना रिपोर्ट में क्या है। जानी तुम्हारा स्टार क्या है? मेरा स्टार कैंसर। हाय हाय जानी, स्टार तो मुख्तलिफ लेकर पैदा होता बाबा। जानी तुम्हारा स्टार और रिपोर्ट की बीमारी सेम है। मैं तो झूठ बोल रहा था, मेरा स्टार तो लिव है। काश तुम्हारा स्टार बदलने से तुम्हारी बीमारी भी बदल जाती। शायद अल्लाह को यही मंजूर था। जानी क्या बात है बाबा, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तमन्ना पूरी हो गई। हाय अल्लाह, रिश्ता लेकर आए डॉक्टर साहब मेरा। अब तो रिश्ते खत्म होने पे बात आ गई है बीबी। बाबा कैंसर आया रिपोर्ट में। क्या डॉक्टर साहब, मजीद कितना वक्त है? सीमा मैडम आपको बड़ी जल्दी है। अब देखें एक फाइनल रिपोर्ट आनी है, उसके बाद पता लग जाएगा कितना वक्त है। नहीं 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 नहीं, आप लोग बहुत अच्छे लोग मालूम होते हैं, मेरा ख्याल है इस बुरे वक्त में मुझे आप लोगों के साथ रहना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है आपका डॉक्टर साहब। हाँ बाबा, वैसे भी बीमार की खिदमत करना ना उसका ख्याल रखना सवाब का काम है। जानी तुम ऐसा करो कि डॉक्टर साहब के लिए गेस्ट रूम खोल दो। आइए डॉक्टर साहब, ये आखिरी दरवाजा है, इसके बाद तो सब दरवाजे बंद हो जाएंगे। बस करो जानी, तुमने तो मुझे रुला दिया। भयानक लग रहे रोते, आइए मिलके रोते। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। बेगम सब खैर तो है, इतनी परेशान क्यों हो?
हाँ बच्चू, वो ना मैं जानी की वजह से परेशान हूँ। बाबा उसको क्या हुआ है? मेरा मतलब है जानी की बीमारी को लेकर। अरे बाबा परेशान होने वाली बात नहीं है, मैंने पता करा ये बीमारी लगती नहीं है बाबा। अरे बच्चू मैं जानी की सेहत को लेकर परेशान हूँ, हमें ना उसकी हर ख्वाहिश पूरी करनी होगी, पता नहीं उसके पास कितना टाइम है। क्या बात कर रही हो बेगम, हाँ वैसे क्या है तो ठीक ही रही हो, चलो करते हैं बाबा कोशिश, करते हैं उसकी भी ख्वाहिशें पूरी करने की। जानी तुम क्या डॉक्टर के क्लिनिक खुलने का इंतजार कर रहे हो? जब से आए सोए पड़े, पता नहीं कब उठेंगे, कब मेरा इलाज करेंगे। हाँ जानी, वैसे कैंसर जो है ना वो तो बहुत खतरनाक बीमारी है। कुछ दिनों बाद तुम भी इसी तरह सो रहे होगे, ये तो उठ जाएगा। अगर तुम वैसे ही दूध चूल्हे पे उबल रहा है, ऊपर से तुम मजीद आग लगा रही हो। अरे दूध उबल रहा है तो भला फिर मेरे को भी पिला देना। ऐसे लोगों में रहने से बेहतर है कि मैं जन्नत में जाके रहूं। कौन जन्नत में जा रहा है भाई? अरे डॉक्टर साहब उठ गए आप। नहीं तो सोते में क्या, मैं पीटी कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब झुकते ना लगाए, इलाज दवा का कुछ बताया। जानी अब तो दवा भी काम नहीं आनी, बल्कि मैं तो कहता हूँ दुआ से भी गया। एक्सक्यूज मी याला, ये डॉक्टर तो फिर ऑन हो गए, तू ही मेरी टेक केयर अता फरमा। जानी ये बला टेक केयर क्या होता है? आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है। अरे बाबा सारी चीजें जानी की पसंद की बनी है ना। जानी हाँ हाँ, डॉक्टर साहब ने कहा था ये सब कुछ जानी की आखिरी ख्वाहिश है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है बाबा, पता नहीं क्या होगा। अरे वाह वाह बिरयानी, क्या बात है जानी, खा बिरयानी, क्या पता ये आखिरी खाना हो। डॉक्टर साहब मेरे हलक से निवाला नहीं उतर रहा, आपको बिरयानी की पड़ी हुई है। आ गई आपकी बेगम। अरे नहीं भाई रिपोर्ट। अरे बाबा वो फाइनल वाली मैं अभी लेकर आया बाबा। हाँ, लेकर आया। रिपोर्ट ना हो कोई बच्चा शरारत से बैल बजा के चला गया। हाँ बाबा ये आ गई बाबा। ओह नहीं नहीं, बस इसी की कसर रह गई थी। क्या हुआ डॉक्टर साहब? मजीद क्लियर हो गया, बस एक रिपोर्ट और आ जाए तो। अरे लेकिन डॉक्टर साहब आपने तो कहा था कि ये फाइनल रिपोर्ट है। अरे भाई ये सेमीफाइनल थी, अभी एक रिपोर्ट बाकी है। भाईजान डॉक्टर साहब मेरे ऊपर जाने से पहले तक रिपोर्ट आ जाएगी। अरे वाह भाई वाह, सारी चीजें मेरी पसंद की हैं। डॉक्टर साहब खाइए खाइए, लेकिन इलाज का क्या होगा? अब भाई अब इलाज क्या हो ना, अब तो सर्द खाने की बुकिंग होगी, बस मौके पे सवारी पहुंच जाएगी। सवारी? बाबा आखिरी सवारी की बात कर रहे हैं। मजा आ गया, अब इसके बाद ना बंच रोड के कबाब खाएंगे, वो भी धागे वाले। जी और पूरियों के साथ, पूरियां पूरी पूरी चाहिए, अगर आधी हुई ना तो तुझे आधा कर दूंगा। अच्छा बाबा वो तो ले आऊंगा, लेकिन इसका इलाज? रिपोर्ट के बाद, सब रिपोर्ट के बाद। अच्छा याला या तो मुझे उठा ले या डॉक्टर को उठा ले। याला ये कैसी आवाज है? जानी कहीं मर तो नहीं गया? उसकी लाश दफनाने के लिए के जा रहे शायद, देखती हूँ खुदा खैर करे। आई गुड़ाले जानी मर तो नहीं गया? आवाज तो ये भला किचन से ही आ रही है। जानी ये क्या कर रहे हो? अरे भाई डॉक्टर साहब के लिए लस्सी बना रहा हूँ। डॉक्टर साहब के लिए लस्सी बना रहे हो? मालिश के बाद ना उनका लस्सी पीने की ख्वाहिश जागी है। मालिश? वो डॉक्टर है ये अकाड़े का पहलवान? अरे मेरे लिए तो बवाले जान बन गया है। एक तो नन्ही सी जान फांसी के तख्ते पर है, ऊपर से जल्लाद को मस्तियां सूझ रही है। अच्छा जानी एक गिलास लस्सी मेरे को भी पिला दो। एक तो हर वक्त तुम भूखी रहती हो। पसीना पसीना होगा, बल्कि नहीं देना, बदबू ना आ रही हो इसके अंदर, छोड़ दो। जिंदगी परेशान हुई है, उसको झुक तो की पड़ी। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।
अरे डॉक्टर साहब, आपको किसने सजा दी है? अबे कभी एक्सरसाइज नहीं की क्या? अच्छा आप वर्जिश कर रहे हो? अरे बाबा मुझे तो स्कूल में हमेशा ऐसे सजा दी जाती। वाह रे मेरे काबिल दोस्त। अच्छा वो डॉक्टर रकीम साहब, ये कोई आपके लिए खत दे गया है। अरे ये रिपोर्ट आ गई। अरे बाबा रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट जाने जाने बाबा, रिपोर्ट आ गई बाबा। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। वही हुआ जिसका डर था। अरे डॉक्टर हकीम साहब, तारीख आ गई है क्या? एक तो तारीख की बात ऐसे कर रहे हैं जैसे शादी की तारीख रखी जा रही हो तेरी। अरे तारीख को मारे गोली, ये बता रिपोर्ट में क्या कोई उम्मीद है? उम्मीद? उम्मीद तो बस अब अगली रिपोर्ट पे ही पता लगेगी। लेकिन डॉक्टर साहब आप तो कह रहे थे कि ये आखिरी और फाइनल रिपोर्ट है। अरे बाबा जिस तरह बारिश की वजह से मैच ड्रॉ हो जाता है, समझ लो इसी तरह इस रिपोर्ट में भी यही हुआ है। अब सब कुछ अगली रिपोर्ट पे डिपेंड करता है। चलो शाबाश निकलो और मुझे एक्सरसाइज करने दो। चलो ये रिपोर्ट तो मेरी जान लेके जाएगी किसी दिन। भाई जानी को कहे तारिक रोड से आते हुए नहारी लेता है। जानी को? जानी कहाँ गए? रिपोर्ट लेने। आज हमारी असिस्टेंट की छुट्टी थी और रिपोर्ट का आना बड़ा जरूरी था तो जानी को भेजा कि भागता बाजार दौड़ता हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब जानी की तो तबीयत खराब थी ना। अरे तबीयत तबीयत कुछ नहीं होता, सब यहीं रह जाता है, बेफिक्र रहें। आपका भला होटल किधर है? होटल? माफ कीजिएगा, आप जब से आए ना खाने के सिवा कोई बात तो की नहीं है, इसी वजह से अस्पताल के बजाय होटल निकल गया। जानी तो आ गए। ये लीजिए डॉक्टर साहब रिपोर्ट, इसमें तो पता चल जाएगा ना। जानी मेरी तबीयत कैसी है भला? अभी तक तो ठीक है लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब दिन रात मुझे भगा रहे हैं ना, मैं जल्दी निकल जाऊंगा। अरे बाबा क्या हुआ, रिपोर्ट आ गई क्या? वही हुआ जिसका डर था। एक तो ये डॉक्टर हमेशा बुरी खबरें सुनाता है। लेकिन डॉक्टर साहब रिपोर्ट में आया क्या है? अभी एक फाइनल रिपोर्ट आनी है, उसमें सब कुछ साफ साफ पता लग जाएगा। अरे बाबा तो अब इसी रिपोर्ट के बाद और कौन सी फाइनल रिपोर्ट आनी है? ये मेडिकल रिपोर्ट है या कमेटी की रिपोर्ट जो आके नहीं दे रही? मेरा क्या होगा? जानी तू फिकर ना कर, मैं मरने के बाद भी तुझे याद रखूंगा, तूने बड़ी खिदमत की है मेरी आखिरी वक्तों में। डॉक्टर साहब आपका भी भला क्या आखिरी वक्त है? आपको भी क्या जानी की तरह कैंसर हो गया है? जानी को कैंसर? ये किसने कहा? अरे डॉक्टर साहब आपने तो कहा था कि जानी को कैंसर है। मैंने कब कहा जानी को कैंसर है? कैंसर तो मुझे है और मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार है नहीं, मैंने सोचा आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, अपना आखिरी वक्त आप लोगों के साथ गुजारूं। इसका मतलब मुझे कैंसर नहीं है? नहीं, तुम्हें तो गैस थी और वो भी ठीक हो गई और आपस की बात है, मेरी रिपोर्ट भी क्लियर है। अरे बाबा तो ये रिपोर्ट? अब ये असल में मैंने नया अपार्टमेंट खरीदा है ना सी व्यू पे, सी फेसिंग, आप सब लोग जरूर आइएगा। यानी कि अभी तक जितनी भी आखिरी ख्वाहिशें हम जानी की समझ के पूरी कर रहे थे वो आपकी थी, जानी की नहीं। जी जी, दोपहर वाला टिक्का बहुत मजेदार था और जानी तू नहारी नहीं लाया? अरे बाबा लाए नहारी लाए, लेकिन अभी नहीं खानी है, आपके स्वयं पे खानी है। क्यों भाई, मैं तो अब ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बेटा तू अब कैंसर से नहीं, तू मेरे हाथों से जो है ना मरेगा। तुम क्या चोरी छुपे लोगों के वाल में झांक रही हो? मैं किसी दूसरे के मोबाइल में नहीं झांक रही हूँ, मैं अपने अदा की बेगम के मोबाइल में देख रही हूँ। तुमने क्या ठेका लिया है अपने भाई का? नहीं पापा, नजर तो रखनी पड़ती ना कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। वो मैंने ना कुछ सामान मंगवाया। उठाना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो फिर मैं क्या करूँ? वो ना कोरियर वाला सामान लेकर आएगा ना तो तुमने सीधा आकर मुझे बताना है। बस इतना सा काम? मैं समझा कोई काम बताएंगे आप। बेगम 35,000 रुपए की ये चीजें, इतनी फजूल खर्ची। ये फजूल खर्ची नहीं है बच्चू, मेरे बाल गिर रहे थे, मेरा गंजपन आने लगा था। आपको अच्छी लगती है अगर मैं गंजी हो जाती तो? लगा रही सब्र तो करो। जल्दी तेल है के शैम्पू? सरीना तुम तबसरा बाद में करना, पहले लगा दो ना तेल। पापा लगा रही हूँ। बच्चू। अरे बाबा
बेगम, ये आपके बालों को क्या हुआ है? मेरे बाल बच्चू। हर चीज मुझे ढूंढनी पड़ जाती है, पता नहीं मैं क्या करूं। ये कौन चुड़ैल हो रहा तुम्हारे घर में आ गई? बच्चू भाई, बच्चू भाई। इम्प्रोवाइज नहीं, मतलब क्या है बट्टा सट्टा। जोनो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम भी।